का संगोत्रा सृजन समाज विकास समिति मंडला से। एक्चुअली वर्तमान में जो हमारा देश है वो कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर ने जिस तरह से क्षति पहुंचाई है, तो हमारा एक है कि जैसा साइंटिस्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने की आशंका है। और इसके पहले प्रशासन, जिला प्रशासन, समाजसेवी संस्थाएं और सभी लोग एक तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम उस तीसरी लहर से बचें। जो दूरस्थ ग्राम है, जो हमारी संस्था है, पिछले 18 वर्षों से मंडला और मवई विकासखंड में काम कर रही है। जो हमारा मुख्य काम लोगों को आजीविका सुनिश्चित करना, उनको शासन की योजनाओं से जोड़ना, महिलाओं और बच्चों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी हिंसा को रोकना और पूरी तरह से शासकीय योजनाओं की जानकारी उन तक पहुँच सके, ये हमारा प्रयास है। इसी संबंध में काम के दौरान ये है कि गांव क्षेत्र पे लोगों को जागरूक करने का काम संस्था कर रही है कि कोरोना महामारी से कैसे बचा जाए, और जो गाइडलाइन है कोरोना महामारी के, जिसमें मास्क लगाना है, दूरी मेंटेन करना और वैक्सीनेशन करना, तो ये जो गांव-गांव में जो जागरूकता अभियान हम लोग फैला रहे हैं। तो दूसरा वो जो बात निकल के आई, समय में सृजन समाज विकास समिति मंडला जो काफ़ी दिनों से दूरस्थ ग्रामों पे काम कर रही है, मवई और दीक्षा के विकास खंड में, तो हम लोगों ने जागरूकता के साथ साथ ये बात निकल के आई कि कैसे पहुंच नहीं हो पाती लोगों की वैक्सीनेशन सेंटर तक, या उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कैसे कोरोना महामारी से बचें। याद हो कि पिछले वर्ष भी संस्था ने अनाज वितरण का काम किया था, जब लॉकडाउन का समय था, लोगों को बहुत उनकी आजीविका पर बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब भी संस्था ने कंधे पे कंधा मिला करके अनाज वितरण का काम कर रहा था। उसी के साथ अभी जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, उसमें शासन तो कर ही रही है, लेकिन सृजन समाज विकास समिति चाहती है कि पूरे तरीके से उनको गांव-गांव में जो उनके स्वास्थ्य केंद्र हैं, या हमारे समुदाय के संगठन हैं, या हम गाँव के लोग हैं, उनको दवाई है, या उनको चेकअप के लिए थर्मामीटर है, या पल्स ऑक्सीमीटर, या छोटे छोटे जो सामग्री है, मेडिकल सामग्री, ये हम उनको प्रदाय करना चाहते हैं, ताकि उनको तुरंत ही त्वरित ही उनको ये लाभ मिले, इलाज के दौरान उनको कहीं भटकना ना पड़े। एक्चुअली सृजन समाज विकास समिति और एक्शन एड दिल्ली की संस्था है, जिनके साथ हमको ये उनके माध्यम से सामग्री प्रदाय की गई है, और हम लोग साझा प्रयास से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये करीब 5 से 6 तरह की चीज़ें हम गांव पे, जो हमारे गांव है जहाँ संस्था काम कर रही है, सृजन समाज विकास समिति, वहाँ हम इनको वितरण करेंगे, जिसमें ये देखिए आप डिजिटल थर्मामीटर है, ये हम वहाँ प्रदाय करेंगे संगठन के लोगों को, या वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, या वहाँ उपस्वास्थ्य केंद्र है, जैसे भी वो गांव के लोग तय करें संगठन के साथ ही, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पैरासीटामोल की टैबलेट्स हैं, जो हम वहाँ पर तुरंत वहाँ पर ज़रूरत होने पर ये उसका इस्तेमाल कर सके, इसलिए ये दवाई हम लोग चाह रहे हैं कि उस क्षेत्र में उनको मिले। ये ORS के गोल हैं कि उनको जो एनर्जी लेवल है कि वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सकें, और इसलिए हम इसको वितरित कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने के पहले ये तैयारी हो और पूरे तरीके से उनको तुरंत ही उपलब्ध हो जाए। इसके साथ साथ कुछ विटामिन जिंक और इसकी टैबलेट्स भी हैं, जो हम बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हम इसको देना चाहते हैं। कुल मिलाकर के जो साझा प्रयास है, हम चाह रहे हैं कि लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो, और जो उनको प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ साथ संस्था भी उसमें अपना सहयोग कर सके। ये फेस शील्ड है, ये फेस शील्ड हम समुदाय के उन वॉलेंटियर को हम देना चाहते हैं, उन संगठन के साथी को जो इस कार्यक्रम में भूमिका निभाएंगे इसको वितरित करने की, तो वो उनको भी सुरक्षा का, उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये वो इसको लगाएंगे। गांव पे हम लोग ये पल्स ऑक्सीमीटर दे रहे हैं। पिछले महीने हम लोग ने अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, तो उस पर हमने देखा था कि वहाँ पर लोगों को चेकअप करने के लिए जो ऑक्सीजन लेवल जो चेकअप करते हैं, तो उसके लिए वहाँ असुविधाएं हो रही थी, तो हमने डिमांड की थी एक्शन के साथ में सृजन संस्था ने कि क्यों नहीं गांव पे हम इसको उपलब्ध कराएं, वहाँ लोगों को दें, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ये उनको उनका ये जो ऑक्सीजन लेवल है वो चेक होता रहे। और साथ में ये N95 मास्क है जो हम वितरित कर रहे हैं लोगों को, कि चूंकि तीसरी लहर में जो वेरिएंट आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, और ये जनरल मास्क उनके लिए कारगर नहीं है, इसलिए हम लोग N95 मास्क भी वितरण करेंगे, इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ लोगों को।
इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ में सृजन समाज समिति के सदस्य वॉलंटियर और एक्शन एड एसोसिएशन, जिनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सामग्री उपलब्ध कराई है। तो उनका काम सामग्री उपलब्ध कराना और सृजन समाज विकास समिति और हम पूरे वॉलंटियर मिलकर इसको क्रियान्वित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरी टीम के साथ में जितेंद्र लारेश्वर हैं जो संस्था के कार्यकर्ता हैं, समन्वयक हैं, आकांक्षा बरवैया हैं जो चाइल्ड राइट बच्चों के लिए जो काम कर रही हैं, फील्ड पर हमारे चार कार्यकर्ता हैं जिसमें जितेंद्र ध्रुवे हैं, मंजूषा हैं, सरस्वती मरावी हैं और जो हमारे और क्षेत्र के वॉलंटियर हैं, उस वो वॉलंटियर इसमें काम कर रहे हैं।